Ramadan, Ramadan, his family celebrates Ramadan. दरियाए गंगा के किनारे वाक़ मशरक़ी भारत की रियासत जो किसी ज़माने में माघदा कहलाती थी अब बिहार के नाम से जानी पहचानी जाती है। ये रियासत हिंदुस्तानी तारीख के सुनहरे दौर का जीता जागता सबूत है। इस खित्ते को ये फ़ख्र हासिल है कि इसने अनगिनत मुफक्करीन और दानिशवरों को जन्म दिया जिनमें बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम यानी महात्मा बुद्ध और सिख मज़हब के रहनुमा गुरु गोविंद सिंह के नाम काबिले जिक्र हैं जो बेतरतीब बुद्ध गया और पटना में पैदा हुए। बिहार में कहीं मौर्या सल्तनत की छाप नजर आएगी तो कहीं बुद्ध मत का असर दिखाई देगा। बिहारियों का कल्चर माशाल्लाह और सूबों की तरह एपी में तो काफ़ी आगे है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हमारे बाबा उस्ताद हमारे ईस्ट पाकिस्तान वहाँ से यानी कि करीब था तो वहाँ हम लोग शिफ्ट कर गए हम। और फिर 1971 में यानी दोबारा माइग्रेट करके हम लोग ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आए और आज तक हम 35 साल से कराची शहर में हम लोग आबाद हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बिहारी कौम पूरी दुनिया में फैलने लगी और आज भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और टोबागो के बेशतर हिस्सों में बिहारी मुकीम है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान, हैदराबाद, सिंध और ख़ास तौर पर कराची में बिहारियों का एक बड़ा तबका रिहाइश पजीर है। कराची में बिहार कॉलोनी नागन चौरंगी, बनारस कॉलोनी, ख़ास तौर पर औरंगी टाउन में बिहारियों की वसी तादाद मौजूद है। बिहारी में देखें ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी एक तो इंडिया में आपको ये पता है कि हर सूबे की ज़ुबान अलहदा होती है, इनकी ज़ुबान भी बिल्कुल अलहदा है। ये अपनी ज़ुबान से पहचाने जाते हैं, जब बात करते हैं आपस में तो अपनी ज़ुबान से पहचाने जाते हैं। हम लोग अभी मेरी आदत तो कुछ ऐसी है जो मुझे पता चल जाता है कि हम बिहारी हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन जो है वो बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये बिहारी हैं। जैसे हर सूबे का लोकल अपनी ज़ुबान होती है, उसी तरह हमारी भी बिहार की ज़ुबान है। लहजा हम वाला होता है, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, हम यहाँ मैं नहीं यूज़ करते। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने किया, हमने किया, हम ये बना रहे हैं, ठीक है, ये सब होता है। और बहुत हमारे यहाँ बाबू बोलते हैं, मर्दों को बोलते हैं, बच्चों को ही बोलते हैं बाबू, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। पाकिस्तान में रहने वाले बिहारी उर्दू बोलते हैं मगर भोजपुरी तलफ्फुज के साथ, मसलन शीन को सीन और जे, जाल, ज़ुआद, ज़ोए वगैरह को जीन के तौर पर अदा करते हैं। कपड़े वपड़े जो पहनना होता है वो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं लुंगी पहनते हैं, हाँ वो सूती कपड़ों की होती है, सूती कपड़ों की लुंगी होती है और उसके साथ बनियान पहनते हैं, वो घर में कंफर्टेबल, ठीक है। और बाहर अगर जाते हैं तो कुर्ता शलवार ज़्यादा पहनते हैं, खड़ा पजामा और कुर्ता, ठीक है। और लेडीज़ में होती हैं जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हैं। बिहारी औरतों और मर्दों के लिबास एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। ख़वातीन ज़्यादातर भड़कीले और गोटा किनारी से आरास्ता लिबास से तन करती हैं जबकि मर्द सादा सी बुशर्ट, लुंगी या तकरीबात में सफारी सूट में मलबूस नजर आते हैं। हमारी मेज़बान जब एक बिहारी फैमिली के यहाँ पहुँची तो इस फैमिली ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। आप लोगों के यहाँ बिहार में ज़्यादा जो स्पेशलिटी वो सब्जियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। खाना बहुत चटपटा होना चाहिए,
अच्छा, खाना अगर मज़ेदार ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता बिहारियों को बिल्कुल भी। अच्छा। उसके साथ रायता भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए और सलाद भी होना, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर चीज़ खाने में मुकम्मल खाना चाहिए। ये नहीं कि रोटी और सालन खा लिया, बस ये नहीं होता है। अच्छा, बस सारी हाँ सारे लवाजमत चाहिए खाने में। ज़्यादातर बिहारी खाने दालों और सब्जियों पर मुश्तमिल होते हैं, मगर दूसरी जानब कुछ बिहारी खाने ऐसे हैं जो सरासर गोश्त शामिल करके ही तैयार किए जाते हैं। सादा बिहारी खानों में कढ़ी, खिचड़ी, बिहारी कबाब, बिहारी कोफ्ते, बिहारी चिकन, झोर वाली मछली और झींगा बिरयानी खास बिहारी पकवान है। मीठे में खीर कस्टर्ड की बजाय बिहारियों में मिठाई का ज़्यादा रिवाज है। मोतीचूर के लड्डू, तिलकुट यानी तिल की बर्फी, मालपुआ, ठेकुआ, बालूशाही और बूंदियां वगैरह बिहारी दस्तरखान की जीनत बनते हैं। जैसे रमजान के करीब आ चुके हैं, ठीक है, तो रमजान में आपकी मसरूफियात कितनी बढ़ जाती है, मतलब बहुत मज़ीद बढ़ जाती है या नॉर्मली अब तो बहू आगे नहीं, अभी मैं तो नहीं, मैं तो बहुत आराम से हूँ, सब ये करती हैं, आप लोग मिक्स करते हो, मिलजुल के करते हैं। हाँ, तो और फिर रमज़ान में स्पेशली मुझे ही किचन ज़्यादा देखती है, इसलिए कि आप बिहारी बिहारियों को ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की स्पेशल डिश कौन सी जो बहुत मशहूर है? बिहारी कबाब है, बहुत मशहूर बिहार के ही है। हाँ, जब बिहारी कबाब है उसका नाम। हाँ, जब तो नाम है उसका। अच्छा, बिहार बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं सब। अच्छा, बिरयानी बहुत ज़्यादा, यानी घर में। और वो एक पुलाव बनता है जिसमें, नहीं पुलाव बनता है उसमें हम थोड़ा सा रंग भी ऐड करते हैं उसमें। हाँ, तो वो उसको हम पुलाव कहते हैं। पुलाव भी बनता है, सब्जी भी, सब मिक्स है। लेकिन सबसे मशहूर आपके यहाँ बिहारी कबाब, बिहारी कबाब बिहार से ही, मतलब हम लोग खाते हैं तो हम कहते हैं जब बाहर के बिहारी कबाब खाएं, वो क्या खाएं। अच्छा, ये बिहार से ही आया सारा, शामी कबाब, ये सब चीज़, ठीक। चलें ठीक है, हम आपके साथ अभी इफ्तार के लिए चलते हैं, देखते हैं हमें क्या बनाते हैं। अच्छा, तो आप बताइए पहले आप कौन सी डिश बना रही हैं? मैं अभी काले चना बना रही हूँ और आप देखेंगे मैं किस तरह बना रही हूँ। ये मैंने प्याज काट के रखी है यहाँ पे और उसके अंदर साबुत लाल मिर्च 3-4 इसमें डालूंगी मैं और ये प्याज लाल करूँगी। अच्छा, इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने, हाँ यानी कि जितना चना उस हिसाब से मैंने प्याज डाला। अच्छा, कितना चना लिया आपने? ये मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, 1 पाव। हाँ, 1 पाव प्याज ले ली? नहीं नहीं, प्याज तो मैंने 2-3 लिए हैं बस। 2-3? हाँ, अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए काले चने में तो आप 3 लें, वरना इतने प्याज, इतने चने के लिए तो इतना प्याज काफ़ी, 2 प्याज काफ़ी है। ठीक है, इसको लाल करूँ और ज़रा मुझे छुरी दो। ये वैसे ज्वाइंट ही रहती हैं आपके साथ या अभी आई हुई हैं? नहीं नहीं, ज्वाइंट जान की वजह से, ज्वाइंट ही साथ। ओके, फ्राई होने लगा, इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? हाँ, चने ऐड करेंगे, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम चने ऐड करेंगे। अभी आपने जो फ्राई किए प्याज, हाँ, उसको भी आप हाथ निकाल के चूरा करेंगे, हाँ, कुछ करेंगे। उसके बाद उसमें चना जो तेल है उसके अंदर मैं चने डालूंगी, फ्राई करेंगे। हाँ, ओके, फिर फ्राई नहीं करूँगी। अच्छा, बस उसमें डाल दूंगी, उसके बाद मैं ये जो मैंने प्याज जो चूरा करके रखा ब्राउन की हुई प्याज को चूरा कर उसके अंदर डालूंगी। ठीक, काली मिर्च ऐड करूंगी इसमें मैं और नमक। जी जी, उसके बाद उनको मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी। ओके, थोड़ा सा यानी इसको हम दम पे भी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, पानी डालेंगे गलने के लिए। हाँ, अच्छा, थोड़ा डालेंगे कि ये पानी आराम से, चना है ये आराम से अंदर सोक कर ले और चने के साइज बढ़ जाए, गल जाए। ओके ओके, अच्छा अभी मतलब वो ये क्या, आई थिंक उसको सोडा डाल के आपने भिगाया मतलब? सोडा नहीं, बिल्कुल सिंपली जो पानी है सादा, उसको बस वॉश करके, चने को वॉश किया हमने पानी के साथ और बस उसको फुला दिया। अब 3-4 घंटे भिगो के रखे चने, बिल्कुल अच्छी तरह भीग जाते हैं। अच्छा, अभी जो प्याज काट रही है वो किसके लिए काट रही है? ये मैं पकौड़ों के लिए काट रही हूँ, दाल के पकौड़े। अच्छा, दाल, ये जो मैंने दाल
इसको ग्राइंड करके रखा है यहाँ पे, ये वाली चने की दाल, ठीक है, इसको मैंने ग्राइंड कर ठीक है। अच्छा आपने कितनी ली थी इसमें चने की दाल? चने की दाल मैंने आधा ग्लास, तकरीबन आधा पाव। सिर्फ चने की ही है या इसमें बेसन भी इंक्लूड है? नहीं, इसमें सिर्फ चने की दाल। अच्छा, बेसन है ही नहीं? नहीं, बेसन बिल्कुल चने की दाल। ओके, ये मैं इसमें मिर्चे, लाल पिसी मिर्च ऐड किया, एक चम्मच से थोड़ा सा कम, ये तो आपके टेस्ट पे है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और हल्दी मैं इसलिए इसमें डालूंगी कि इसका थोड़ा कलर जो है ना, कलरफुल। ठीक है, अच्छा वो हो गया फ्राई? इसमें मैं थोड़ा साबुत जीरा डालूंगी मजे के लिए, टेस्ट के लिए ना, उसकी खुशबू भी जीरे की बहुत अच्छी होती है। अब मैं काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है, काली मिर्च पिसी हुई, ओके, आधी चम्मच डालनी, ज्यादा नहीं, आधी चम्मच। ये आप नमक डाल रहे हो? ये नमक। नमक ऐड कर लिया आप हस्बे जाए। ये आप कितना डाल रहे हैं? ये तकरीबन आधी चम्मच, आधी, ओके, आधी चम्मच, ठीक। अब इसमें मैं ये कटी हुई धनिया, हरा धनिया, ठीक है, हरा धनिया ऐड करूंगी मैं इसमें। अच्छा, जो आपने भी दाल बताई है, एक पाव बताई ना, समथिंग आधा पाव, आधा पाव, आधा पाव, कितने परसेंट को हो जाता है? आराम से 6-7 से। अच्छा, हाँ आराम से। और वैसे भी तुम्हें पता है रमजानों में कितनी बरकत होती है, बरकत, ये तो हकीकत बात है, कितना सा बनाओ लगता है खत्म ही नहीं हुआ, खत्म ही नहीं होता अफ्तार तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख, मैंने काट के हरी मिर्चें रखी हुई थी, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसको, हाँ नमक भी डाल दिया, वो मैं इसको तुम करोगी? फैसला हो रहा है कि सास के लिए करूँगी के लिए कर लूँ, फाइनली बहू के हाथ पे गया। और ये इस वक्त इसको फाइनल कर रही है चाय। हाँ, ये मैं अभी शायद होने लगा है। हाँ ठीक है, ये जो प्याज मैं ब्राउन करके इसमें निकालूंगा, आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, और मजे का बनेगा। अच्छा, ग्राइंड करके ज्यादा मजे का बनेगा? हाँ, ओके, पेस्ट बन जाएगा। अब इसको बिल्कुल आपने मतलब इसको ब्राउन कर लिया मैंने इसको, अब इसको मैं आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट वो भी तैयार हो चुकी है, और ये इस पर इन्होंने फ्राई करना शुरू कर दिया है चने की दाल। आपको जितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, वो डिपेंड करता है। अच्छा, वो नॉर्मली इस तरह बनते हैं, इसको बकायदा गोल गोल डालना पड़ता है? हाँ, दबा दबा, ये मैं जरा नोट कर रही हूँ, इसलिए रमजान में पकौड़े मेरी अम्मा भी बनाती है, तो वो नॉर्मली इस तरह बनता है। वो असल में जो बेसन के पकौड़े बनते हैं, आप यूं उठाएं और यूं 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 करते, बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। पीछे जरा हो ना, मैं लाजमी जरा पीछे हो जाऊं, पता चल कि कहीं मैं ये मैंने इसमें ब्राउन प्याज निकाल लिया, अब इसमें मैंने चना डाला, ठीक है, ठीक है। चने डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक डालिए, लेकिन कम ही डालिए। हाँ, कम रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा हो जाएगा तो उतना। अब इसके अंदर आप जो डाल रही हैं, नमक है और ये काली मिर्च, काली मिर्च ना, काली मिर्च से जरा मजेदार, ठीक है। ये आप कितना डाल रहे हो इसमें? एक टीस्पून, ठीक है, एक टीस्पून इसमें ये डाल दिया मैंने, ठीक, काली मिर्च। आज देखते हैं बिहार के चने, आज हम खा के कैसे बनते हैं। हाँ हाँ।